स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 1 नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किनकी विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी की, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री की, ऑप्शन डी है राजीव गांधी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मामले में किन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन बी है भाजपा पार्टी ने, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी ने, ऑप्शन डी है बसपा पार्टी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाजपा पार्टी ने। सबरीमाला मामले में भाजपा पार्टी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कोंटे भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ईरान के, ऑप्शन बी है इटली के, ऑप्शन सी जापान के, ऑप्शन डी है फिनलैंड के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली के। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कोंटे भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस जगह से पंडित नेहरू की प्रतिमा हटाने से मना कर दिया है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी है दिल्ली से, ऑप्शन सी है मुंबई से, ऑप्शन डी है बिहार से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से पंडित नेहरू की प्रतिमा हटाने से मना कर दिया है। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ध्रुव पर स्थायी हवाई अड्डा बनाएगा चीन? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी है पूर्वी ध्रुव पर, ऑप्शन डी है पश्चिमी ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर चीन स्थायी हवाई अड्डा बनाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तेज गेंदबाज खलील अहमद किस राज्य के रहने वाले खिलाड़ी है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बिहार के, ऑप्शन बी है राजस्थान के, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश के, ऑप्शन डी है ओडिशा के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान के। भारत के तेज गेंदबाज खलील अहमद राजस्थान के रहने वाले खिलाड़ी है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय टेलीकॉम टावर कंपनी कौन सी है जिसने डेमिंग अवार्ड 2018 जीता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इंडस टावर, ऑप्शन बी है अमेरिकन टावर, ऑप्शन सी है भारतीय इंफ्राटेल टावर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडस टावर। पहली भारतीय टेलीकॉम टावर कंपनी इंडस टावर है जिसने डेमिंग अवार्ड 2018 जीता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता है?
इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डेनियल रिचियार्डो ने, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी है सेबिस्टियन वेटेले ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेबिस्टियन वेटेले ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब सेबिस्टियन वेटेले ने जीता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने ITTF चैलेंज बेल्जियम ओपन की अंडर 21 महिला एकल श्रेणी में किसने रजत पदक जीता है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अंकिता दास ने, ऑप्शन बी है अयनिका मुखर्जी ने, ऑप्शन सी है रानी मुखर्जी ने, ऑप्शन डी है रीमा दास ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अयनिका मुखर्जी ने। ITTF चैलेंज बेल्जियम ओपन की अंडर 21 में महिला एकल श्रेणी में अयनिका मुखर्जी ने रजत पदक जीता है। आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।